नमस्कार दोस्तों, 24 यूपी न्यूज की खास बुलेटिन में आपका स्वागत। आज जौनपुर के पुलिस लाइन प्रांगण में एसपी जौनपुर दिनेश पाल सिंह के नेतृत्व में जनपद के सभी पुलिस कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें एसएचओ लाइन बिहार मिथिलेश मिश्रा को सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य के लिए डीजीपी द्वारा सम्मान दिया गया। वहीं पिछले दिनों लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पीली कोठी के समीप नवल किशोर सिंह ठेकेदार के हत्याकांड के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 72 घंटों में खुलासा किया, जिसके लिए एसपी जौनपुर ने पूरी लाइन बाजार पुलिस टीम को किया सम्मानित। अरविंद कुमार इनके द्वारा सर जो है आज ये थाना वक्ता वगैरह वो भी सुनना कर रहा, तो पुलिस को आबकारी की तरह भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपरांत 135 पीसी शराब, 8 ग्राम ओपी, 40 लीटर जिंदल शराब इत्यादि बरामद की गई, जिससे इनके इस कार्य के लिए। पिछले दिनों बक्सा थाना क्षेत्र में हो रही शराब की तस्करी को रोकथाम करते हुए एसपी बक्सा अरविंद यादव और मैं टीम को एसपी ने किया उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित। एसआई संजीव सिंह, एसआई अगमदास रायनाथ, कांस्टेबल अंगद चौधरी, कांस्टेबल वेद प्रकाश, कांस्टेबल अमरेंद्र यादव, कांस्टेबल सुधीर सिंह, कांस्टेबल दीपक सिंह, कांस्टेबल अभिजीत द्विवेदी, कांस्टेबल प्रदीप यादव, कांस्टेबल उमाकांत यादव, कांस्टेबल रामप्रीत यादव, कांस्टेबल अमित सिंह, कांस्टेबल जयसी तिवारी, कांस्टेबल ओपी जायसवाल, कांस्टेबल अंजन चौधरी, कांस्टेबल जय प्रकाश, कांस्टेबल अवरेंद्र यादव, कांस्टेबल दीपक सिंह, कांस्टेबल अभिजीत द्विवेदी, कांस्टेबल प्रदीप यादव, कांस्टेबल उमाकांत यादव, कांस्टेबल रामप्रीत यादव, कांस्टेबल अमित सिंह, कांस्टेबल जयसी तिवारी, कांस्टेबल ओपी जायसवाल। और दो कुंटल 80 किलो गांजा बरामद। एसआई हरिप्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल प्रोग्रेस वीरेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल रामचंद्र तैयार है। सर इनके द्वारा 11,414 बाकी का निर्माण का सभी किया गया, इस कार्रवाई में इनके द्वारा हमने योगदान दिया गया। सर ये इनके द्वारा जो है
के चैप्टर नंबर 17 धारा 382 का के गैर भागी का अधिनियम 2018 को सफल काम किया गया तथा अभी को जता दो उसके कब्जे से चोरी मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस कार्रवाई में आप द्वारा हमें निशान किया गया जिसकी भूमि काम कर दी जाती है। आगे से राय साहब लोगों को पूछना भी है और जो नहीं आते हैं तो उसकी अटेंडेंस करा देंगे तो उनका पते कर देंगे। एक नया पुरस्कार सम्मान दिया जा रहा है इस बार, इसके लिए तैयार रहेंगे अनिल सिंह। उनका जोरदार स्वागत करिए तालियों से। राम जी यादव आरसी देवेंद्र कुमार राजेश यादव एक आदमी को पुलिस कांस्टेबल ऑफ द ईयर का पुरस्कार देना चाहता था और परसों से मैं खोज कर रहा हूं, किसी प्रभारी निरीक्षक ने मुझे ऐसा कांस्टेबल उपलब्ध नहीं कराया जिसको मैं पुलिस कांस्टेबल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दे सकूं। तो अगले सम्मेलन में फिर मैं तब तक खोज करूंगा और प्रभारी निरीक्षकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि उनके जो कर्मचारी साल भर निरंतर अच्छा काम किए हैं अपराध अनावरण के क्षेत्र में, विधि व्यवस्था स्थापित करने के क्षेत्र में, अपराधियों की धरपकड़ के क्षेत्र में, उनके नाम प्रेषित करें, उनके काम प्रेषित करें ताकि उनके काम का आकलन करके उनको पुलिस कांस्टेबल ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जा सके। और जो भी पुलिस कांस्टेबल ऑफ द ईयर होगा चाहे कितने लोग होंगे उनको 2000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। ये सिर्फ 5 आदमी अभी हमको मिले जिन्होंने निरंतर कार्य किया, साल भर काम करते रहे। अगम दास ने लगातार काम किया, अनिल सिंह ने लगातार काम किया, शशि चंद्र चौधरी ने लगातार काम किया। ये लड़का जो कांस्टेबल आपके सामने खड़ा है ये IVRS को लगातार 5 महीने से टॉप पर रखे हुए उत्तर प्रदेश में, तो उनको वार्षिक पुरस्कार जाता है इन 5 आदमियों को। अभी अगला जो हमारा पुरस्कार समारोह होगा उसमें मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे हर थाने से कम एक आरक्षी ऐसा निकले जो निरंतर कार्य करता रहा। सब इंस्पेक्टर निकले, SVP निकले, SC निकले जो निरंतर काम, और ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी, कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो निरंतर अपराध के कार्य में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के नाम सामने आने चाहिए। और मासिक सम्मेलन किया जाता है और मासिक सम्मेलन के माध्यम से हम अपने
कार्मिकों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। इसके साथ साथ जो आज का कार्यक्रम था वो जो लोगों ने जो हमारे पुलिस अधिकारियों ने कुछ गुड वर्क किए थे तो अगस्त के महीने में उन सारे कर्मचारियों को हमने पुरस्कृत किया है। इसके अतिरिक्त निरंतर जिन पुलिस अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में काम किया है उनको भी पुरस्कृत किया गया। सबसे अच्छा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान किसको आज दिया गया है यहाँ पे? 5 लोगों का चयन हमने किया है जिनको वार्षिक पुरस्कार दिया गया है जिन्होंने अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। इसमें प्रभारी निरीक्षक की रकत अनिल कुमार सिंह, शशि चंद चौधरी, उप निरीक्षक अगम प्रसाद और एक IGRS का लगता है। गौकसी पे कितना रोक लगा पाएगी? गौकसी पे 100% रोक लगानी है। जब से मैं आया हूँ तब से जो भी अभियोग गौकसी के या गोवंश के परिवहन से संबंधित पंजीकृत इस जनपद में हुए हैं उन सभी अभियोगों में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैं अपेक्षा करता हूँ कि 100% गौ कृषि पर प्रतिबंध लगेगा। मॉडर्न पुलिसिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आती है? मॉडर्न पुलिसिंग में जो समस्याएं आ रही हैं कि हमारे जो कार्मिक हैं जो कंप्यूटर से मॉडर्न पुलिसिंग जो विवेचना का कार्य चल रहा है कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादातर कार्य है और हमारे जो पुराने लोग हैं सब इंस्पेक्टर्स हैं जैसे केस डायरी लिखने की बात आ रही है तो हमारे ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर्स जो पुराने हैं वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। ऐसे पुलिस उप निरीक्षकों के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है कि इनको कंप्यूटर में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो अपने अभियोग देने का स्वयं कंप्यूटर पर टाइप कर सकें और ये कार्य लगभग 6 महीने